हेलो गाइस, रॉक हीरो वाइसटाउन गेम की एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस, आज की वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखना। और अभी तक आज की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, रोजाना तो टिप्सन दादा इस टाइम तक मुझे कॉल कर देते हैं और वो मुझे कोई ना कोई मिशन दे देते हैं, लेकिन अभी टिप्सन दादा का कोई कॉल नहीं आया, तो चलो क्यों ना घूमा जाए। अरे यार, लेकिन अगर मैं ऐसे पैदल पैदल वाइसटाउन में घूमूंगा तो मजा नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, इस आदमी की कार छीन लेता हूँ। अरे भाई, क्या कर रहे हो? मेरी कार से मुझे बाहर क्यों निकाला? अरे बच्चू, अभी ये कार मेरी है, तो ये देखो अभी मैं कार के अंदर बैठ गई और ये कार तो काफी शानदार है। अरे वायर, अब आएगा ना घूमने का असली मजा, तो ये देखो कार तो बिल्कुल रॉकेट से भी तेज चल रही है। ओ तेरी ये क्या, मैंने तो पुलिस वाले को ठोक दिया, अभी क्या करूँ यार, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। अरे यार, ये तो मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा है, इसको उड़ा दूँ क्या? अरे बच्चों, एक तो पुलिस वाले की गाड़ी को टक्कर मारा, ऊपर से भागने की कोशिश, तू तो गया बेटे। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो घूमने निकला था, इन लोगों ने तो मेरे को जेल में डाल दिया। अरे अगर आगे से पुलिस की गाड़ी को ठोका तो सीधा तेरे को यहीं पे फांसी लगा देंगे। अरे यार, एक तो सुबह से कोई मिशन नहीं मिला, ऊपर से इन पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया, अब इस जेल में मैं कर भी क्या सकता हूँ। हेलो छोटे, कहाँ पर है तू? अरे मैं टिप्सन दादा, मैं तो यहीं आसपास हूँ, बोलो क्या काम है? अरे छोटे, तुझे बोला था ना आज एक बहुत बड़ा मिशन आने वाला है, तो वो मिशन आ गया। चल अभी फटाफट से मेरे घर पे आ, तुझे बताता हूँ मैं मिशन के बारे में। अरे क्या टिप्सन दादा, आपके घर आऊँ? हाँ टेंशन मत लो, मैं सिर्फ 10 मिनट में आपके घर पे आता हूँ। तो गाइस, अभी टिप्सन दादा के पास मिशन आ चुका है, तो मेरे को कुछ भी करके इस जेल से बाहर निकलना होगा। और अभी मेरे दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आया है, मैं इस खिड़की को ही तोड़ डालता हूँ। तो ये देखो यार, मैंने खिड़की को तोड़ दिया, चलो अभी फटाफट से बाहर की तरफ जंप करते हैं। और फाइनली गाइस, मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी जल्द से जल्द टिप्सन दादा के घर पहुँचना होगा। तो अभी एक काम करता हूँ, पुलिस वालों की गाड़ी को ही लेके चलता हूँ टिप्सन दादा के घर। और अभी मैं बैठ गया पुलिस वालों की गाड़ी में, यहाँ पर कोई पुलिस वाला भी नहीं है, तो चलो फटाफट से निकलते हैं गाड़ी को लेकर। अरे मेरा एक्सीडेंट नहीं होने वाला। तो ये देखो मैं पहुंच गया टिप्सन दादा के पास। ये देखो टिप्सन दादा, अभी मैं आ गया, चलो अभी फटाफट से बताओ आखिर आज का क्या मिशन है। अरे छोटे, हमारा जो डेंजरस विलन है ना, लॉस सेंटोस में एक बैंक में डाका डाला है और वहाँ से उसको पूरे 500 करोड़ रुपए मिले हैं। तो तुझे बस इतना करना है, जाकर विलन को मजा चखाना है और वो 500 करोड़ हमारे हो जाएंगे। अरे टिप्सन दादा, उस विलन को तो मैं यूं मजा चखा दूंगा, अभी मैं जाऊँ क्या? अरे नहीं छोटे, अभी मजा रात होने का इंतजार कर, तुझे रात को जाना है, उसके पास अभी काफी ज्यादा सिक्योरिटी है और अभी गया तो वो लोग तेरी बैंड बजा देंगे। अच्छा, तो मुझे रात होने का इंतजार करना होगा, तो चलो इंतजार करते हैं, रात होते ही मैं जाऊंगा लॉस सेंटोस। और फाइनली गाइस, ये देखो अभी रात के पूरे 12 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं लॉस सेंटोस में। तो अभी आप लोग देख सकते हो चारों तरफ कितना ज्यादा अंधेरा हो रहा है। और अभी मैं जाने वाला हूं डेंजरस विलन के अपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि उसने अपार्टमेंट के अंदर पूरे 500 करोड़ रुपए छुपा के रखे हैं। और अभी सामने की तरफ जो आप देख रहे हो, यही है हमारे डेंजरस विलन का अपार्टमेंट। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसका गेट तो काफी छोटा सा है और इतने छोटी सी जगह में इतना बड़ा अपार्टमेंट कैसे हो सकता है, तो वो तो अभी आपको पता लग जाएगा। तो चलो अभी हम लोगों को अंदर की तरफ एंट्री करनी होगी। और गाइस, अभी गेट के ऊपर देखो कितनी बड़ी लाइट लगी हुई है, सबसे पहले मुझे इस लाइट को फोड़ना होगा। और अभी मैंने यहाँ पर अपनी पिस्टल निकाल ली है, तो चलो लाइट को फोड़ते हैं। और ये देखो गाइस, अभी लाइट को हमने यहाँ पर फोड़ दिया और है। अभी अपार्टमेंट के चारों तरफ काफी अंधेरा हो चुका है, हमको कोई नहीं देख सकता। तो चलो यार, अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ। और ये हम लोग पीछे के दरवाजे से चलेंगे क्योंकि हमारे पास इसी की चाबी थी। तो गाइस, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। देखो डेंजरस विलन का अपार्टमेंट कितना सुंदर है, लेकिन ये क्या यार, ये यहाँ पर कौन बैठा है? लगता है ये डेंजरस विलन का ही आदमी है, लेकिन मुझे तो लगता है ये सो रहा है। चलो एक बार इसके पास चल के देखते हैं। अरे विलन जी, मैंने आपको बोला ना प्लीज मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, वैसे भी आपका तो पूरा 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। गाइस मेरा अंदाजा सही निकला, ये विलन का ही आदमी है और ये यहाँ पर बैठ के सो रहा है। देखो तो ये सपने में विलन से 1 करोड़ मांग रहा है। मेरे पास इसे देने के लिए 1 करोड़ तो नहीं, लेकिन ये स्टन गन है, तो चलो इसको मजा चखाते हैं। और ये देखो गाइस, बेचारा नींदों में ही मारा गया, तो चलो अभी गाइस इसको एक और शॉट मारते हैं। तो अभी इसको तो हमने यहाँ पर मार डाला है, लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, लेकिन मैं इनको खा नहीं सकता क्योंकि मैं तो मिशन करने आया हूँ ना। अभी इतने बड़े अपार्टमेंट में मुझे उस विलन और पूरे 500 करोड़ रुपए को ढूंढना होगा। और गाइस यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, शायद से सेकंड फ्लोर है। तो चलो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, मुझे लगता है विलन हमको वहीं पर मिलेगा। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता यहाँ से है। तो गाइस ये देखो आगे की तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तो चलो अभी हम लोग नीचे चलते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से चलना होगा क्योंकि टिप्सन दादा ने बोला था इनकी सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। गाइस अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन देखो गाइस, सामने की तरफ एक गेट है, तो अभी चेक करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी है क्या। ओ गाइस देखो, यहाँ पर तो एक वॉचमैन है। अरे लाल, मैं नीचे थी, नौकरी तो किसी को नहीं मिलेगी, आराम से लो जाना, यहाँ पे बैठ के दारू पीता हूँ मैं। ओ तो गाइस देखो, ये वॉचमैन तो यहाँ पर बैठ के दारू पी रहा है, यही अच्छा मौका है। तो चलो अभी ये पूरे नशे में होगा, तो ये संभाल मेरी स्टन गन का वार।
और ये देखो यार, अभी रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, तो चलो अभी इस दरवाजे के अंदर चलते हैं, कहीं इसके अंदर ही तो विलन नहीं है। और मैं एकदम से अंदर घुस जाऊंगा। तो ये देखो मैं अंदर आ गया, लेकिन ये कौन है भाई? ये तो कोई मोटा सा आदमी दिखाई दे रहा है। वैसे मोटा आदमी उस तरफ देख रहा है, लेकिन ये दो लोग कौन है भाई? देखो गाइस, ये सामने की तरफ दो लोग कितने आराम से सो रहे हैं। चलो ये दो लोग तो मेरा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस मोटे का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाग रहा है गाइस। अरे मोटे, मैं बोलता हूँ हैंड्स अप, यहाँ से हिलना मत वरना मैं तेरे को गोली मार डालूंगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे अपार्टमेंट में ये नीला सा बंदर कहाँ से आ गया? अरे बंदर भगया से, अरे वॉचमैन भगाओ इसे, देखो मेरे रूम के अंदर बंदर आ गया। अरे ओ मोटे, वैसे तूने मेरे को बंदर बोला, कभी आईने में अपने आप को देखा है? एकदम गोरिल्ला लगता है। रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ मैं। और इस बंदर ने मुझे करंट लगा दिया रे। तो ये देखो, इस मोटे का इलाज तो मैंने कर दिया, लेकिन गाइज यहाँ पर भी मुझे डेंजरस विलन नहीं मिला। आखिर ये विलन छुपके कहाँ बैठा है? और जरा इन दोनों को तो देखो, ये दोनों कितने आराम से सो रहे हैं, लगता है इन्हें विलन के बारे में पता होगा। लेकिन ये क्या यार, मैं तो इनके ऊपर गिर गया, अभी इनका कुछ करना होगा। और ये देखो यार, इनके लिए तो मेरा हाथ ही काफी था। अभी इन दोनों का इलाज तो हो चुका है, तो ये दोनों बेहोश हो गए, तो इनको भी एक एक करंट लगा देता हूँ। यार फर्स्ट फ्लोर पे तो आ गया, लेकिन ये देखो यार, यहाँ पर एक गेट और है। मुझे लगता है विलन पक्का इसी के अंदर होगा। जहाँ तक लगता है ये कोई सीक्रेट रूम होगा, तो चलो क्यों ना इसके दरवाजे को तोड़कर हम लोग अंदर चलते हैं। 3, 2, 1 और ये तोड़ा मैंने दरवाजा। अरे यार, मैंने तो सोचा था ये सीक्रेट रूम होगा, लेकिन ये तो टॉयलेट निकला। और जोम्बी के बच्चे तेरी तो ये ले। तो यार फर्स्ट फ्लोर पे भी मेरे को यहाँ पर डेंजरस विलन नहीं मिला, तो चलो अभी इस जोम्बी को एक झटका लगाता हूँ। 501, 502 आज सारे सिटअप्स लगा दूंगा। अरे लेकिन ये कौन है भाई? अबे साले, बाथरूम के अंदर कौन एक्सरसाइज करता है? रुक जा, तुझे अभी एक्सरसाइज करवाता हूँ। तो गाइस अभी इसका इलाज भी कर दिया, लेकिन यार अभी मैंने फर्स्ट फ्लोर भी चेक कर लिया, लेकिन अभी तक वो सीक्रेट रूम और वो पैसे और डेंजरस विलन अभी तक नहीं मिले मुझे। कहीं डेंजरस विलन पैसे लेकर यहाँ से भाग ना गया हो। तो चलो अभी ग्राउंड फ्लोर बचा है, तो जल्दी से चलकर ग्राउंड फ्लोर पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। और अगर आज मुझे यहाँ पर डेंजरस विलन नहीं मिला तो मेरा आज का मिशन फेल हो जाएगा। और ये देखो गाइस, नीचे जाने का रास्ता यहाँ पर है, लेकिन ध्यान से जाना होगा। और ये देखो यार, ये कौन है भाई? ये तो गजब की सिक्योरिटी लग रही है। पता नहीं विलन इस बंदर को कहाँ से उठा के लाया, इसको अभी सबक सिखाता हूँ। और ये देखो, ये बंदर तो गया काम से, लेकिन ये दूसरा बंदर इधर सो रहा है। रुक जाओ, इसको अभी करंट लगाता हूँ। तो अभी मैंने इसके दोनों बंदरों का यहाँ पे कबाड़ा कर दिया है, लेकिन यार बंदर को सिक्योरिटी के लिए कौन रखता है? इंसान कम पड़ गए थे क्या? फिर गाइस वो सब छोड़ो, यहाँ पर मुझे गेट दिखाई दे रहा है, और मैं पक्का कंफर्म होकर बोल सकता हूँ ये वही गेट है, सीक्रेट रूम वाला। तो चलो यार, देर कैसी, अभी फटाफट से इसको तोड़ के हम लोग अंदर की तरफ घुस जाते हैं। तो ये तोड़ा मैंने दरवाजा। ओ गाइस, ये तो वही सीक्रेट रूम है, देखो यहाँ पर कितना सोना पड़ा है। और ये डेंजरस विलन यहाँ क्या कर रहा है? रुक जाओ, इसको अभी सबक सिखाता हूँ मैं। अरे रो फिरो, तू यहाँ पर कैसे पहुँचा? मुझे करंट लगाता है, रुक जाओ तेरे को अभी बताता हूँ मैं। ओ गाइस देखो, इस पर तो मेरी स्टन गन का असर ही नहीं हुआ, लगता है इसको हाथों से ही मजा चखाना होगा। अरे रो फिरो, मुझे पता है तू मेरे 500 करोड़ रुपए यहाँ से ले जाने आया है, लेकिन मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगा। अरे बच्चू, ये पैसे तो मैं तुझे मारकर आज यहाँ से जरूर लेके जाऊंगा। आज रो फिरो, तेरा खेल खत्म, तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। चल विलन, अभी तेरा बहुत ज्यादा हो गया, अब तू गया मेरे हाथ से। और ये खा मेरा सुपर पंच। और ये देखो यार, ये विलन तो मेरा पंच खा के नीचे गिर गया, और अभी ये बिल्कुल उठने वाला नहीं है। तो गाइस अभी विलन का काम तो हो चुका है, और फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो गाइस ये देखो, अभी विलन के सीक्रेट रूम में हमें पूरे 500 करोड़ रुपए और ढेर सारा सोना भी मिल चुका है। तो गाइस आज का मिशन आपको कैसा लगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। फटाफट से टिप्सन को कॉल कर देता हूँ, फिर हम लोग इसे वाइस टाउन लेके जाएंगे। तो गाइस हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।